हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास एक सेट आया हुआ है मी वन का। इसमें लगा हुआ है पैटर्न लॉक, सॉरी पिन लॉक लगा हुआ है। आपके केस में पैटर्न पिन कोई भी हो सकता है लॉक। इसका लॉक कस्टमर भूल गया और मेरे पास आया कि बोला कि इसका लॉक तोड़ना है, तो मैं आपको आज इसका लॉक तोड़ना सिखाऊँगा कि कैसे इस कंपनी का मी वन कंपनी का लॉक कैसे तोड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका लॉक तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। सिंपली आपको देखिए इसका बैक पैनल को हटा के इसकी बैटरी को निकाल लेना है। और इसका मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये है इसका मॉडल नंबर, मी वन करके है सेट, और मॉडल आर वन, मी वन कंपनी का आर वन मॉडल है इसका। और इसको सिंपली बैटरी को री इंसर्ट कर देना है। री इंसर्ट करने के बाद आपको करना है कुछ नहीं, बस सिंपली इस पावर बटन को और ये वॉल्यूम डाउन बटन को, ध्यान रहे वॉल्यूम अप बटन नहीं, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना। देखिए जैसा कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए, और ये फ़ोन ऑन होगा अभी कुछ देर में। और इस तरीके से दबाए रखिए फ़ोन बैटरी सॉरी बटन को कुछ देर तक। ऐसे ही ऑन कर रखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको पावर बटन छोड़ देनी है और इंतजार करना है कि कुछ आपको एंड्रॉयड का सिंबल दिखाई दे। फ़ोन ऑन हो गया, सॉरी अभी ये बूट नहीं किया रिकवरी मोड पे। फिर से इसको बैटरी को रीइंसर्ट करता हूँ और इसके ये बटन वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूँ। ऑन हो रहा सेट, पावर बटन छोड़ देनी है और वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखनी है दोस्तों। और सॉरी अभी भी नहीं हुआ, सो दोस्तों एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। इस दोनों बटन को प्रेस करके और ये बटन एक साथ प्रेस करके रखता हूँ, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूँ, देखता हूँ रिकवरी मोड ऑन होता है या नहीं। फिर से मैं ऑन करता हूँ, तीनों बटन को पावर बटन को छोड़ देता हूँ। सॉरी ये अभी भी ऑन नहीं हुआ रिकवरी मोड। रिकवरी मोड में जब तक नहीं जाएगा तब तक इसका लॉक नहीं टूटेगा दोस्तों। सिंपली आपको ये पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है कुछ देर तक, मे बी 15 सेकंड तक। और सो दोस्तों फिर से मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ इस बार ऑन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम डाउन बटन को 10 प्रेस करके रखने के बाद पावर बटन को दबा देना, ठीक है दोस्तों। अब ये जैसे ही फ़ोन ऑन होगा आपको सिम पावर बटन छोड़ देनी है और वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखनी है कुछ इस तरीके से दोस्तों। और ये देखिए रिकवरी मोड में ऑन हो चुका है, ये एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी का मेनू आ गया। अब आपको क्या करना है मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे जाना है एंड नीचे जाना है सॉरी आपको ऊपर ही जाना है। यहाँ देखिए वाइप, आपको सिंपली पहले करना है वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट पे पावर बटन से क्लिक, एंड नीचे जाना है वॉल्यूम डाउन से। वॉल्यूम डाउन से नीचे जाने के बाद सिंपली आपको फिर से पावर बटन दबा देनी है और ये इसका जो भी डेटा होगा, ध्यान रहे इसमें जो भी डेटा आपका फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी कुछ होगा इंपॉर्टेंट डेटा वो डिलीट हो जाएगा और मेमोरी का कुछ भी डिलीट नहीं होगा, मेमोरी कार्ड का। आपको सिंपली बस फ़ोन का जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा दोस्तों। इसको करने के बाद आपको एक और सेटिंग करनी होगी, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक का देखिए, और नहीं तो आप वीडियो को लास्ट तक का नहीं देखते और फिर बोलते हैं सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप वीडियो का पूरा देखिए, आपको कुछ भी ऐसा जो भी नहीं समझ में आया आप कस्टमर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगेन आपको सेटिंग में आपको दोबारा सेटिंग कर रहा हूँ। और आपके फ़ोन उस सेटिंग से क्या होगा दोस्तों, कभी कभी आपका फ़ोन देखते होंगे हैंग होने लगता है दोस्तों, तो उस सेटिंग को करने के बाद आपका इसी रिकवरी मोड में वो सेटिंग है, उसको करने के बाद आपका फ़ोन जो हैंग हो रहा होगा वो होना बहुत ही कम हो जाएगा। अगर
कहिए कहा जाए तो हैंग होना ही बंद हो जाएगा। आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा और आपके फ़ोन की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब सारी दूर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो देख लिए, मैं फ़ोन को रख दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से और दिखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस हमारा काम हो जाना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, सिस्टम हो सकता है कि कुछ ज़्यादा डेट। देखिए सिंपली आपका फ़ोन का जो भी ये प्रॉब्लम था, लॉक था, वो टूट चुका। अब आपको सिंपली क्या करना, मैं सेटिंग के बारे में, जिस सेटिंग के बारे में आपको बता रहा, सिंपली ये देखिए वॉल्यूम डाउन बटन है, इसे नीचे जाइए, एंड अगेन नीचे जाइए, एंड अगेन नीचे जाइए, पावर बटन पे क्लिक कर दीजिए और सिंपली आपका ये जो, मैं उसको सेटिंग को फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंपली नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, एंड अगेन देखिए ये वाइप कैच पार्टीशन, इस कैच पार्टीशन को कैच मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो भी डेटा होगा होता है कभी कभार बच के रह जाता है, कि जो वायरस होते हैं कुछ इसमें रह जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी फ़ोन हैंग होने लगता है। तो सिंपली इसको आपको पावर बटन दबा के इसको कैच पार्टीशन को भी डिलीट कर देना है। अब आपको सिंपली करना है पावर बटन पर प्रेस। पावर बटन प्रेस करने के बाद आपको सिंपली ये फ़ोन को स्विच ऑफ होके ऑन होगा और आपका लॉक में भी टूट चुका होगा। देखता हूँ मैं, अगर लॉक लगा हो तो मे भी टूट जाए, मे भी क्या ये फ़ोन उसका लॉक टूट चुका होगा। इन केस अगर आपके केस में ईमेल आईडी वाला लॉक इन है, यानी कि गूगल अकाउंट मैनेजर का जो लॉक होता है जिसे FRP कहते हैं, वो ना लगा हो, नहीं तो उसको भी बाईपास करना पड़ सकता है। वेट कर लीजिए, 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं। आपके फ़ोन को नॉर्मली बूट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। फर्स्ट टाइम ये फ़ोन आपका सिंपली कहा जाए तो फॉर्मेट हो चुका है और जितना भी डेटा था इसका सारा रिमूव हो चुका दोस्तों। तो और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारी इस तरीके के लॉक को अनलॉक करने के तरीके बताए गए हैं और वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। और भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा विद इन 15 मिनट। और दोस्तों कुछ भी अगर सजेशन या सुझाव हो या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की और अपने गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी मुझसे गलतियाँ हो रही हों उस दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान, या जो भी मुझसे मतलब बाई मिस्टेक हो रहा, उसके कोई गलती हुई हो, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों जिसका लॉक टूट चुका है, अब आपको इसको सेटअप या बूटअप करना मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको सेटअप करना। सिंपली शेयर पे क्लिक कर देना है, एंड स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, एंड अगेन स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, एंड स्किप एनी वे पे क्लिक कर देना है दोस्तों। स्किप एनी वे पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली टाइम एंड डेट के लिए पूछ रहा था, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, एंड स्किप बटन पे क्लिक कर देने के बाद और अगेन स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है और इसमें इसका लॉक जो था वो रिमूव हो चुका है दोस्तों। इसका लॉक टूटने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा दे रहा है आपको, मैं सेटिंग में जाके दिखा दे रहा हूँ कि फ़ोन कौन सा है और इसका मॉडल कौन सा है दोस्तों। सेटिंग में को ओपन करता हूँ, देखिए सब कुछ ओपन चल रहा है प्रॉपर एकदम। और अबाउट फ़ोन में चले जाना है, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको सिंपली इसका मैं मॉडल नंबर दिखा दे रहा हूँ, देखिए R1 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।